राधे राधे एवरीवन। सो आज हम जा रहे हैं दुबई। आज पंकज का भी ऑफ है और मेरा भी ऑफ था, सो हमने सोचा दुबई जाते हैं। मेरी मौसी हैं, जो पंकज की मौसी हैं, उनका बेटा इधर आया है, वो मेरे देवर लगते हैं। फर्स्ट टाइम वो दुबई आए हैं जॉब के लिए। जॉब उनको मिल गई है, अभी ज्वाइन नहीं किया उन्होंने, तो अभी आज हमें टाइम था, उसके बाद कहीं टाइम मिले ना मिले, तो अभी हमने सोचा कि उनसे मिल लेते हैं। सो उनसे मिलेंगे। फिर पंकज की फ्रेंड है अर्चना, उनके घर भी जाना है। इंडिया से अचार भेजा है उनके लिए, सो वो अचार लेके आए हैं, तो उनको भी अचार देने जाना है। सो वी आर गोइंग सो वी आर एंटरिंग द ऑटोमेटिक कार वॉश सर्विस इन एडनॉक। और कार बहुत गर्म हो रही थी, और बहुत गर्म मतलब बाहर से बॉडी, और बहुत डस्टी हो गई थी बाहर से, क्योंकि जब से मैं इंडिया से आया मैंने वॉश नहीं किया था, इसलिए मैं कर रहा हूँ कार वॉश। और फिर उसके बाद मिलते हैं। तो वॉश हो गया ख़त्म, अब हम जा रहे हैं आउटसाइड। अब ये लोग करेंगे इसकी बाहर से ड्राई क्लीन। सो जो भी बॉडी में वाटर होता है उस सबको क्लीन कर देते हैं, तो बॉडी में कोई भी वाटर का स्टेन नहीं रहता। अभी मैं जैसे टर्न करूँगा, दो लोग खड़े यहाँ पर, ये लोग करेंगे गाड़ी का बाहर से क्लीन एयर प्रेशर से। कार वॉश के बारे में, प्राइस के बारे में बता देता हूँ आपको। इंडिया में मैंने इस बार कार वॉश कराया नहीं, तो मुझे आइडिया नहीं है कि रफली कितना होता है। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताना कि इंडिया में एक कार वॉश का कितना प्राइस है। यहाँ जो मैं कार वॉश का प्राइस देता हूँ वो है 35 दिरहम। ओके, 35 दिरहम मतलब 700 रुपये इंडिया का। और वो मैं इसलिए पे करता हूँ क्योंकि यहाँ आप पर्सनली कहीं रोड में या अपने घर पर कार वॉश नहीं कर सकते, ये इनलीगल है। आपको सिर्फ कार वॉश फैसिलिटी में जाके ही कार वॉश करा सकते हैं। अदरवाइज अगर आप अपने घर के सामने कार वॉश कर रहे हैं या कुछ, अगर कहीं आपको म्यूनसिपैलिटी ने या पुलिस ने देख लिया तो आपको फाइन मिलेगा। इसीलिए आपको यहाँ कार सिर्फ ऑथराइज डीलर से या कार वैन जो घर पे सर्विस आती है वो अपनी गाड़ी लेके आते हैं और क्लीन करके जाते हैं, उनसे करानी पड़ेगी। पेट्रोल पंप में भी आपको सर्विस अवेलेबल होगी, जो कि हमने अभी पेट्रोल पंप में कराया। या 90% पेट्रोल पंप में ये सर्विस अवेलेबल है। और यहाँ पेट्रोल पंप में आपको मिलेगा एयर फैसिलिटी, कार वॉश फैसिलिटी, टायर चेंज, ऑयल चेंज और वाटर फैसिलिटी, वॉशरूम। और हर पेट्रोल पंप में अगर थोड़ा ज़्यादा छोटा साइज़ का नहीं है बड़ा है, तो आपको एक कैंटीन मिल जाएगी जिसमें आपको टी, कॉफ़ी, सैंडविचेस सब कुछ मिलेंगे, वो चार्जेबल है। तो यहाँ के पेट्रोल पंप कुछ ऐसे दिखते हैं आपके सामने जो है, और ये देखो नाव में यहाँ पेट्रोल भराने आए हैं। वेलकम इन दुबई। स्पेशली ट्रक्स के लिए होती है, बस के लिए होती है और हैवी व्हीकल्स के लिए होती है स्पेशली। और टैक्सी, जैसे आप देख रहे हैं सामने एक टैक्सी जा रही है, उसके बाद ट्रक जा रहा है, उसके आगे एक फूड व्हीकल जा रहा है। तो ये लेफ्ट राइट हैंड साइड वाली दो लेन स्लो व्हीकल्स के लिए है, और राइट हैंड साइड वाली लेफ्ट हैंड साइड वाली दो लेन फास्ट व्हीकल के लिए। अगर आप फास्ट व्हीकल लेन में 120 से आप नीचे जाएंगे तो आपको फाइन आएगा। जस्ट एक पास हुई है जो
लेफ्ट हैंड साइड में ये एरिया को कहते हैं दुबई मरीना। तो अगर कोई आपसे कहता है आप दुबई मरीना में हो तो समझ लो वो इस बिल्डिंगों में है। इन बिल्डिंगों के जस्ट पीछे समंदर है। अभी हम मिल गए अज्जू देवर जी से और हमने साथ में लंच किया और मैंने पिया। इतनी छोटी सी थाली खाई चल जाने, इतनी छोटी सी थाली, काश मैं उसको कैमरे में दिखा सकता कि कितनी छोटी थाली थी और इसने पूरा खत्म कर दिया। इतनी बड़ी थी भाई, इतनी बड़ी थाली थी। मैंने उसमें से क्या खाया, उसमें मतलब कम से कम 2 दाल 4 सब्जी और पापड़, 2 पठान साइज की रोटी और पापड़ सब लपेट दिया सब। मैंने कुछ भी नहीं खाया, मैंने उसमें थोड़ा सा चावल लिया एक बॉल में फिर ऑरेंज जूस लिया। तो हम अज्जू से मिलके अभी जा रहे हैं अर्चना के रूम पे और आगे है सिग्नल, इसलिए हम खड़े हैं। खड़े नहीं है, बैठे हैं। सामने है सिग्नल और गाड़ी तो खड़ी है ना, ट्रैफिक, गाड़ी भी बैठी है। बैठी होती गाड़ी? गाड़ी बैठी। तेरे गाँव में बैठती है गाड़ी? हाँ, कौन से वाले पहाड़ से तू? चलो बाय। गाड़ी बैठी है तो हमारे पास में है एक लिमोजिन। ये है दुबई फ्रेम, येलो कलर में जो आपको दिख रहा है। इससे ऊपर जाके आपको ओल्ड दुबई और न्यू दुबई दोनों दिखते हैं। तो ये अर्चना नौटियाल एंड प्रकाश विश। Soon you will get a good news. Pregnant though. So Prakash also pregnant and along with Archana. Remember this time, okay? Pankaj बहुत बड़ी-बड़ी बातें करता था, अब same category में same time पे आ गया। No one knows, मैं काट दूँगा ये। Uncle. ठीक है? चलो bye. Okay, bye bye. Bye. So Archana से मिलने के बाद हम जा रहे हैं घर Abu Dhabi. अभी time लगेगा 1 घंटा 20 1.5 घंटा रहेगा इधर से। तो फिर हमें वहाँ जाके कुछ सामान लेना है तो हम जाएंगे मॉल। तो आपको मिलते हैं उधर ही। मैंने बोला कब बोला ऐसा मुझे दे दो,
अभी नहीं बोला मॉल में तो बोला मैं अभी बोला ये दरवाजे के सामने पहुंच के बोला मुझे दे दो हाँ तो अभी नहीं बोला मॉल में तो बोला कब बोला मॉल में नहीं बोला अभी बोला मुझे दे दो यहाँ से ऐसे अंदर ले जाने के लिए मुझे दे दो बस हम इस व्लॉग को हम यहीं पे एंड करते हैं मिलते हैं हम नेक्स्ट व्लॉग में बाय बाय गुड नाइट राधे राधे